नमस्कार दोस्तों, टेक स्कैन के एक बिल्कुल नए फ्रेश और एक्साइटिंग एपिसोड में आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज के इस वीडियो के अंदर मैं वोडाफोन आइडिया कंपनी यानी वीआई कंपनी के बारे में बातचीत करने वाला हूं, क्योंकि वोडाफोन आइडिया कंपनी की तरफ से और ज्यादा पैसे मार्केट से उठाने वाला है। नॉर्मली वोडाफोन आइडिया कंपनी रिसेंट एक महीने के अंदर काफी ज्यादा पैसे जो वो मार्केट से उठा लिया है, क्योंकि आपको पता है आज के डेट के अंदर फाइनल सेल कंडीशन वोडाफोन आइडिया कंपनी का बिल्कुल भी अच्छा नहीं है। आज के डेट के अंदर 2 लाख करोड़ से भी ज्यादा का कर्जा है वोडाफोन आइडिया कंपनी के ऊपर, और वो कर्जा वोडाफोन आइडिया तभी चुका सकते हैं जब कंपनी एक प्रॉफिटेबल कंपनी हो और लेटेस्ट टेक्नोलॉजी को अडॉप्ट करे। वोडाफोन आइडिया कंपनी पिछले 2 से 3 साल तक कंटिन्यूअसली लॉस कर रहा है, अपने से रेवेन्यू लॉस और सब्सक्राइबर लॉस कर रहा है। तो वैसे एक टाइम के अंदर अगर फिर से वोडाफोन आइडिया कंपनी को भारत के मार्केट के ऊपर सस्टेन करना है तो उन्हें कुछ अलग यहां पर करना होगा, जिस कारण से फंड राइज वोडाफोन आइडिया कर रहा है। तो आने वाले टाइम के अंदर कितना फंड राइज वोडाफोन आइडिया करने वाला है, किस तरीके से यहां पर करने वाला है, अभी के टाइम के अंदर क्या कुछ सिनेरियो है, पूरा डिटेल्स वीडियो के अंदर मैं आपको बताऊंगा। अगर आप एक वोडाफोन आइडिया के ग्राहक है तो यह चीज को जानना आपको काफी ज्यादा जरूरी है। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों, क्या आपको पता है कैनवा प्रो के प्रीमियम सब्सक्रिप्शन आपको मिल सकता है सिर्फ 239 रुपए के अंदर, वो भी लाइफ टाइम के लिए। नॉर्मली कैनवा प्रो के सालाना सब्सक्रिप्शन का प्राइस है 4,000 रुपए, लेकिन Fabric.in आपको प्रोवाइड कर रहा है सिर्फ 239 रुपए के अंदर। वीडियो डिस्क्रिप्शन पर पहला लिंक आपको Fabric.in वेबसाइट का मिल जाएंगे, वहां पर जाओ, बाय नाउ पर क्लिक करो, आपका पूरा डिटेल्स भरो, और वहां पर जो कूपन कोड है वहां पर आप Summer20 कूपन कोड को ऐड कर दो। नॉर्मली ये पर्टिकुलर प्लान 299 रुपए के अंदर बिकते हैं, लेकिन अगर आप Summer20 कूपन कोड को लगवाते हैं तो इंस्टेंटली आपको 60 रुपए का डिस्काउंट मिलेंगे, और ये ऑफर सिर्फ पहले के 50 ग्राहकों के लिए है। तो अभी का भी जाओ, जल्दी से जल्दी अगर आपको कैनवा प्रो चाहिए, लाइफ टाइम सब्सक्रिप्शन चाहिए, तो मेनली वहां पर से जाकर परचेस कर लो। चेक वीडियो डिस्क्रिप्शन फॉर मोर इन्फॉर्मेशन। चलिए वीडियो के अंदर आगे बढ़ते हैं। दोस्तों, वोडाफोन आइडिया कंपनी की तरफ से रिसेंटली भारत के अंदर सबसे बड़ा APO को लॉन्च किया गया था, वो था 18,000 करोड़ रुपए का, जो सक्सेसफुल हुआ है। मतलब वोडाफोन आइडिया के ऊपर लोगों का इंटरेस्ट अभी भी बरकरार है। साथ में 2,075 करोड़ रुपए का प्रेफरेंशियल शेयर्स आदित्य बिरला ग्रुप का एक सब्सिडियरी ब्रांड है उड़ियाना इन्वेस्टमेंट, उनकी तरफ से दिया गया, तो वहां पर ऑलमोस्ट 20,000 करोड़ रुपए हो गया। और रिसेंटली वोडाफोन आइडिया कंपनी नोकिया और इरिक्सन, ये दो कंपनी को 2,458 करोड़ रुपए का शेयर यहां पर एलोकेट किया है। मतलब वोडाफोन आइडिया कंपनी अपने इक्विटी को इरिक्सन और नोकिया, ये दो कंपनी को यहां पर दिया है, जहां पर नोकिया कंपनी को वोडाफोन आइडिया ने दिया है 1,140 करोड़ और इरिक्सन को यहां पर दिया है 703.5 करोड़, और बाकी अभी भी बाकी है 614.5 करोड़, जो इस साल के एंड तक वो मेनली जनरल कॉर्पोरेट पर्पस के लिए यूज किया जाएगा। नॉर्मली वोडाफोन आइडिया कंपनी अपने कंपनी का खुद हिस्सा जो है वो नोकिया और इरिक्सन, ये दो कंपनी को दे दिया गया। अभी दिया क्यों है? नॉर्मली आपको पता है नोकिया और इरिक्सन मेनली जो इक्विपमेंट्स है वो वोडाफोन आइडिया को यहाँ पर प्रोवाइड करते थे, लेकिन पिछले कुछ सालों के अंदर वोडाफोन आइडिया उनके जो इक्विपमेंट्स का पैसा है, जो पेमेंट है, वो यहाँ पर नहीं दे पाया, जिस कारण से वो मेनली वोडाफोन आइडिया कंपनी को बार बार ये कहा कि हमारा जो पेमेंट है वो यहाँ पर क्लियर कर दो। आने वाले टाइम के अंदर अगर वोडाफोन आइडिया 5G सर्विस को लॉन्च करना चाहे तो उन्हें नोकिया और इरिक्सन जैसे कंपनी के पास से ही अपने इक्विपमेंट्स को लेना पड़ेगा, तो वो क्रेडिट पर किसी भी तरीके से काम नहीं करना चाहते। उनकी तरफ से बताया गया कि आप अपना जो पिछला पेमेंट है वो यहाँ पर कर दो, उसके बाद हम आगे का बात यहाँ पर करेंगे। तो उस जगह के अंदर वोडाफोन आइडिया कंपनी अभी के डेट के अंदर उतना फाइनेंशियल कंडीशन बढ़िया नहीं है कि वो मेनली नोकिया और इरिक्सन को पैसे दे दे। तो इसी कारण से मेनली वोडाफोन आइडिया कंपनी अपने कंपनी का कुछ इक्विटी जो वो नोकिया और इरिक्सन को यहाँ पर दे दिया है, जिसके अंदर अगर नोकिया इरिक्सन कंपनी आने वाले टाइम के अंदर चाहे उनके इक्विटी या जो शेयर से उसे बेचकर वो पैसे को उठा लेना, तो वो आराम से यहाँ पर उठा सकते हैं। हालांकि 6 महीने का लॉक इन पीरियड यहाँ पर रखा गया है, तो टोटल 24,000 करोड़ रुपए मार्केट से ऑलरेडी वोडाफोन आइडिया कंपनी उठा लिया है। अभी भी वोडाफोन आइडिया कंपनी 45,000 करोड़ रुपए आने वाले 2 साल के अंदर उठाने की कोशिश कर रहा है, यानी डिफरेंट टाइप ऑफ इक्विटी डेप्थ की मदद से वोडाफोन आइडिया कंपनी और भी 45,000 करोड़ रुपए मार्केट से उठाएंगे। तो अभी आप बोलेंगे कि भाई मार्केट से पैसे उठाकर क्या करेंगे, क्या उनका कर्जा यहां पर चुकाएंगे? देखिए, कर्जा नहीं चुकाएंगे। वोडाफोन आइडिया कंपनी मार्केट से इतना पैसा यहां पर उठा रहा है वो मेनली अपने जो 4G कैपिटल एक्सपेंडिचर उसके ऊपर इन्वेस्ट यहां पर करेंगे। मतलब जो रिसेंट 4G सर्विस वोडाफोन आइडिया कंपनी अपने कस्टमर्स को यहां पर प्रोवाइड कर रहा है, वो 4G सर्विसेज को और भी ज्यादा एक्सपांड यहां पर करेंगे और 5G सर्विसेज को भारत के अंदर लॉन्च करेंगे। मतलब मार्केट से पैसे उठाएंगे, पैसे उठाने के बाद कंपनी अपने आप को और भी ज्यादा
मजबूत करेंगे, मार्केटिंग काफ़ी बढ़िया तरीके से करेंगे, कस्टमर्स को एक्वायर करेंगे और खुद कंपनी एक प्रॉफिटेबल कंपनी के ऊपर कन्वर्ट होंगे। उसके बाद जो है जो कर्जा है वोडाफोन आइडिया कंपनी के ऊपर वो धीरे धीरे यहाँ पर चुकाएंगे। तो आने वाले टाइम के अंदर मेन जो काम है वोडाफोन आइडिया का 45,000 करोड़ रुपये मार्केट से उठाना, वो मिली इक्विटी और डेट की मदद से यहाँ पर उठा सकते हैं, क्योंकि अभी के टाइम के अंदर कोई भी इन्वेस्टर्स जो है वो वोडाफोन आइडिया कंपनी के ऊपर इतना पैसा इन्वेस्ट करने के लिए तैयार बिल्कुल भी नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि आपको पता है वोडाफोन आइडिया कंपनी पिछले 4 साल से कंटिन्यूअसली लॉस करते हुए जा रहा है। तो जो भी वीआई कंपनी के ऊपर इन्वेस्टमेंट करेंगे वो चाहेंगे कि अपना पैसा को जितना जल्दी हो सके यहाँ पर बढ़ाया जाए, लेकिन वोडाफोन आइडिया कंपनी खुद एक लॉस मेकिंग कंपनी है, जिस कारण से कोई भी इन्वेस्टर्स जो है वो वीआई कंपनी के ऊपर इन्वेस्टमेंट करने के लिए बिल्कुल भी तैयार नहीं है। इसी कारण से आज के डेट के अंदर कुछ इस तरीके का प्रॉब्लम के अंदर वोडाफोन आइडिया यानी वीआई कंपनी अभी चल रहा है। अभी देखते हैं आने वाले टाइम के अंदर वीआई कंपनी किस तरीके से इस पर्टिकुलर प्रॉब्लम से बाहर आ पाते हैं। हमें जो लगते हैं डेफिनेटली वोडाफोन आइडिया कंपनी बाहर आ जाएंगे, क्योंकि गवर्नमेंट भी सपोर्ट कर रहे वोडाफोन आइडिया कंपनी को, खुद गवर्नमेंट वीआई कंपनी का सबसे बड़ा इंडिविजुअल स्टेक होल्डर है। तो ये सारा अपडेट्स हमारे पास निकल कर आता, छोटा सा वीडियो बनाकर आपको बता दिया। अगर वीडियो पसंद आया, कुछ नई जानकारी मिला तो वीडियो को लाइक कीजिए, वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करके पास में लाइक उनको दबाना बिल्कुल भी मत भूलिए ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियो डेली बेसिस देखने के लिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय, टेक केयर। आपसे उससे मुलाकात होगी ऐसे कोई नया वीडियो के साथ, तब तक के लिए दोस्तों अपना ख्याल रखिएगा।